आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का ठोसों में निबिड़ संकुलन। अब ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन क्या होता है? तो अवयवी कणों की एक ठोसों के अंदर निश्चित व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में ठोस के अवयवी कण अधिकतम स्थान धारित करें, कुल उपलब्ध स्थान का अधिकतम स्थान धारित करें और न्यूनतम रिक्त स्थान ठोस में बना रहे, तो ऐसी व्यवस्था ठोसों में निबिड़ संकुलन कहलाता है। कुल उपलब्ध स्थान का न्यूनतम स्थान रिक्त रहे और अधिकतम स्थान जो है वो ठोस के अवयवी कणों द्वारा धारित किया जाए, तो ठोसों की यह व्यवस्था संकुलन निबिड़ संकुलन कहलाती है। अब निबिड़ संकुलन में तीन वर्ग मुख्य रूप से बांटे गए हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पहला देखते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसको कहते हैं 1D, वन डाइमेंशनल। इस प्रकार के संकुलन में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार की होती है, एक अवयवी कण, उसके पास दूसरा अवयवी कण, इस प्रकार से एक रेखा में सटाकर रखे जाते हैं कि प्रत्येक अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहे, यानी ये अवयवी कण जो है वो इसके संपर्क में है और इसके संपर्क में, प्रत्येक अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहे और इन्हें एक पंक्ति के अंदर रखते हैं, एक दूसरे से सटाकर निकटतम दूरी पर। तो इस प्रकार का निबिड़ संकुलन जो है एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। अब एक विमीय इसलिए कहलाता है कि अपन जो है तीन एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरी अपनी होती है जेड एक्सिस, यानी लंबाई भी बढ़ रही है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बढ़ रही है, तो तीन एक्सिस पर अपन आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है यदि अपन इसको लंबाई माने तो केवल लंबाई बढ़ रही है, अपन एक एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे अपन ने वाई पे बढ़ रहे हैं, इन्हें जेड एक्सिस पे, इसलिए एक विमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसमें अवयवी कणों को एक दूसरे के पास हटाकर एक सीधी पंक्ति में रखा जाता है, प्रत्येक अवयवी कण दो अवयवी कणों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसको एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ समन्वय संख्या, समन्वय संख्या एक विमीय निबिड़ संकुलन में होती है दो, क्योंकि प्रत्येक अवयवी कण दो निकटवर्ती अवयवी कणों को टच करता है, छूता है, इसलिए समन्वय संख्या हो जाएगी इसकी दो। एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के संपर्क में है, कितने अवयवी कणों के डायरेक्ट टच में है, वो उसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ये तो हुई एक विमीय निबिड़ संकुलन। उसके बाद बात करते हैं अपन द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के ये हो जाएगा 2D। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में दो वर्ग बांटे गए हैं, यानी अपन दो दिशाओं में आगे बढ़ेंगे, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, यानी लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, उसको कहते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अवयवी कणों की दो दिशाओं में यदि अपन आगे बढ़कर कोई व्यवस्था प्राप्त कर रहे हैं, अवयवी कणों को दो दिशाओं में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जचा करके दो दिशाओं में आगे बढ़ते हैं, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन वो कहलाता है। इसे अपन पुनः दो वर्गों में डिवाइड करते हैं, एक है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के संकुलन में अवयवी कणों को
एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार से रखते हैं, ये पहली पंक्ति, और ऐसी की ऐसी दूसरी पंक्ति भी इसी से सटाकर इस प्रकार से रख देते हैं। यानी एकविमीय निबिड़ संकुलन को पुनरावृत कर देते हैं इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यानी अपन दो दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। अब वर्ग निबिड़ संकुलन कैसे है, तो किसी भी एक बीच वाले अवयवी कण को सेलेक्ट कर लें, उससे जो संपर्क में अवयवी कण है वो देखते हैं। इसके संपर्क में आपको एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये, दो, तीन और चार, ये डायरेक्ट संपर्क में है, चार अवयवी कण ये संपर्क में। इन अवयवी कणों को इस प्रकार से अपन जोड़ें जो इसको टच करते हैं, तो एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। और प्रत्येक अवयवी कण, इसे देख सकते हैं अपन, चार अवयवी कणों के संपर्क में है, इसलिए समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का हो जाएगा चार। फिर आगे बढ़ते हैं अपन दो के बाद में, बी द्विविम का ही बी पार्ट है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ये भी 2D है। अब इसके अंदर अवयवी कणों को किस प्रकार से रखते हैं, तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि पहली पंक्ति में अवयवी कणों को इस तरीके से सटाकर रखते हैं, ये पहली पंक्ति। फिर दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों को पहली पंक्ति के जो गर्त बन रहे हैं उनमें रखते हैं, ये दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति को फिर दूसरी पंक्ति के गर्तों में रख देते हैं इस तरीके से। आगे भी इस प्रकार से ये जारी रहेगा। अब इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर ये कोई बीच वाला अवयवी कण सेलेक्ट कर लेते हैं, इस बीच वाले अवयवी कण के जो बाकी चारों ओर से भी अन्य अवयवी कणों से घिरा हुआ हो उससे कितने संपर्क में है, उससे संपर्क वाले अवयवी कण एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, इनको यदि अपन एक सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ दें तो ये मिलकर के एक षटकोण का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए ये द्विविमीय, चूँकि टू डायमेंशन दो दिशाओं में बढ़ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मान लो और ये वाई एक्सिस, लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी, अवयवी कणों को दो दिशाओं में अपन रख रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इसलिए तो ये 2D है। और प्रत्येक अवयवी कण के संपर्क में छः अवयवी कण हैं इसलिए, और ये मिलकर के एक षटकोण बनाते हैं, इसलिए ये द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि प्रत्येक अवयवी कण कितने अवयवी कणों के संपर्क में होगा, तो टोटल 6 अवयवी कणों के संपर्क में होगा एक अवयवी कण। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो षटकोण बना रहे हैं वो 6 अवयवी कण इस अवयवी कण के संपर्क में, ये कोई ज़रूरी नहीं है बीच वाला अवयवी कण लें, कोई सा भी लेंगे, यानी उसके चारों ओर अवयवी कण होने चाहिए, ये लेंगे तो भी ये मिलकर 6 षटकोण ही बनाएंगे, समन्वय संख्या हो जाएगी 6। इसके अलावा इससे एक एग्जाम्पल और है कि एक कॉइन के सिक्के, कॉइन यानी सिक्के के चारों ओर अधिकतम कितने सिक्के रखे जा सकते हैं, तो अधिकतम एक ही तल में एक सिक्के के चारों ओर 6 सिक्के समान आकार के रखे
जा सकते हैं, यानी समन्वय संख्या या द्विविमीय षटकोणीय निबिड संकुलन में हो जाएगी 6। अब आते हैं द्विविमीय के बाद में नंबर आता है अपना त्रिविमीय का। तो थर्ड हो जाएगा अपना त्रिविमीय निबिड संकुलन, इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल यानी 3D। तीन ही दिशाओं में अपन आगे बढ़ेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तीनों दिशाओं में आगे बढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं त्रिविमीय निबिड संकुलन। लेकिन त्रिविमीय के अंदर 3D स्ट्रक्चर्स को अपन यहाँ बोर्ड में 2D में नहीं रख सकते, तो अपन क्या करेंगे, त्रिविमीय निबिड संकुलन एक तो बनाएंगे ए, द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से, द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविमीय निबिड संकुलन। तो द्विविमीय से द्विविमीय निबिड संकुलन इस प्रकार का था, ये एक लेयर अवयवी कणों की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी एक लेयर, ठीक इनकी सीध में ही अवयवी कणों की दूसरी लेयर, इसी को पुनरावृत करती हुई ये दूसरी लेयर, ऐसे ही ये तीसरी लेयर, ये था अपना द्विविम वर्ग निबिड संकुलन। इसमें अपन एक एक्स एक्सिस पे बढ़ रहे हैं और एक वाई एक्सिस पे, दो ही दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, यानी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, या मोटाई कह सकते हैं अपन वो नहीं बढ़ रही है, इसलिए द्विविम है। अब ऐसी की ये द्विविम वर्ग निबिड संकुलन की ऐसी लेयर इसके ऊपर रख दें, एक लेयर, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर, यानी सेम एक दो तीन लाइनों की द्विविम वर्ग निबिड संकुलन की एक लेयर ये रखी हुई है, जैसे अंडों की जो प्लेट्स आती हैं एक तरीके से जिनमें अंडे रखे आते हैं, उनकी एक के ऊपर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे, ये वो 3D स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से यदि अपन अवयवी कणों को रख दें तो एक लेयर पे दूसरी लेयर, दूसरी लेयर पे तीसरी लेयर, तो यहाँ जो बनने वाला निबिड संकुलन होगा वो कहलाएगा त्रिविम निबिड संकुलन। वो किससे बन रहा है, द्विविम वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविम निबिड संकुलन। अब इसके ऊपर लेयर रख दें अपन, एक लेयर ऊपर हो जाएगी, फिर उसके ऊपर रख देंगे तो वो लेयर बीच में चली जाएगी, तो यहाँ निकटतम संपर्क में कितने अवयवी कण होंगे, तो अवयवी कणों की संख्या देखते हैं, कोई सा भी अवयवी कण, जैसे ये अवयवी कण ले लिया अपन ने, इस अवयवी कण के एक दो तीन और ये चार, चार तो ये संपर्क में, एक अवयवी कण के चार तो उस तल वाले यानी सेम तल वाले ही संपर्क में होंगे, वो पांचवा अवयवी कण इसके ऊपर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी लेयर होगी और इसके नीचे भी लेयर होगी, तो पांचवा अवयवी कण इसके ऊपर होगा और छठा इसके नीचे की तरफ होगा, बाकी इस अवयवी कण को कोई नहीं छुएगा, इसलिए टोटल 6 अवयवी कण इस अवयवी कण के संपर्क में होंगे। तो ये अवयवी कण 6 अवयवी कणों के संपर्क में होगा, तो त्रिविम यानी 3D वर्ग निबिड संकुलन, ये निबिड संकुलन वर्ग निबिड संकुलन ही है लेकिन 3D टाइप का है, में समन्वय संख्या हो जाएगी कितनी, समन्वय संख्या आ जाएगी 6 टोटल, क्योंकि चार तो उस लेयर के ही संपर्क में होंगे, एक ऊपर का और एक उस अवयवी कण के नीचे भी अवयवी कोण होगा जब 3D होगी, तो समन्वय संख्या हो जाएगी 6। ये तो हो जाएगा ए द्विविम वर्ग निबिड संकुलन से त्रिविम निबिड संकुलन। अब देखते हैं आगे वाला पार्ट, इसका बी, त्रिविम का बी, द्विविम षटकोणीय निबिड संकुलन से
त्रिविम निबिड़ संकुलन, यानी 2D षटकोणीय होती है हेक्सागोनल से 3D हेक्सागोनल। कैसे प्राप्त करेंगे? द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन प्राप्त करने के लिए पहले द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन में अव्यवी गणों को एक लेयर में रख के फिर इसके गर्तों के अंदर क्या कर देते हैं, ये अभी द्विविम ही बन रहा है, अव्यवी गण रख देते हैं, ये गर्तों के अंदर रख दिए। गर्त बोल रहे हैं दो अव्यवी गणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसको, ये तीसरी लेयर आ जाएगी। फिर ये चौथी लेयर, इस प्रकार से एक लेयर यानी अभी फिलहाल एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो ही दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं, एक्स और वाई दो दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 2D है फिलहाल और एक अवयवी गण के 6 संपर्क में और मिलकर एक षटकोण बनाते हैं, इसलिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन है ना द्विविमीय। अब इसे त्रिविमीय कैसे बनाएंगे? तो इस पर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस प्रकार से लेयर रखेंगे तो ये त्रिविमीय बन जाएगा। अब त्रिविमीय बनाने के लिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो गर्त दिखाई दे रहे हैं आपको पहली लेयर और दूसरी लेयर को टच करने से जो गर्त बन रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। देखो एक प्रकार का जो गर्त है उसमें त्रिभुज का मुंह जो है वो इस टाइप का है, दूसरी लेयर के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ वाला इसी लेयर में, ये ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इसके अंदर जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो आपको इस टाइप, यानी ये तो है ऊर्ध्वमुखी और ये है अधोमुखी, एक ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है और दूसरा नीचे की तरफ मुंह किए हुए है, दो प्रकार के गर्त यहां दिखाई दे रहे हैं। अब जब गर्त दो प्रकार के हैं तो अवयवी गणों की जब दूसरी लेयर अपन इन पे रखेंगे तो यदि इस गर्त को गड्ढे को होल को ढक देंगे अपन, कवर कर देंगे दूसरी लेयर से तो ये रह जाएंगे और यदि अपन इनको कवर करेंगे तो वो रह जाएंगे। तो अपन जो है दूसरी लेयर रखते हैं एक बार ऊर्ध्वमुखी जिनका मुंह ऊपर की तरफ है उन त्रिभुजों के ऊपर जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे, ये एक फिर इस पे रख दिया, सब ऊर्ध्वमुखी पे रखना है अपने को, ये रख दिया, ये रख दिया, ये और ये, फिर नीचे वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है अब वो इस तरीके से लेनी है अपने को कि इन दोनों के टच करता हुआ अव्यवी गण, वही द्विविमी षटकोणीय बनानी है, मतलब पहली लेयर जो है उसके बाद ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे, दूसरी लेयर को पहली लेयर के ऊर्ध्वमुखी गर्तों के अंदर रख दिया है और फिर वो अपना द्विविम वाला पुराना षटकोणीय वाला ही क्रम अपनाते चलना आगे, ये रख दिया, ये रख दिया, फिर आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करना है,
ये और ये। हालांकि यहाँ बोर्ड से जो है वो 3D डायग्राम को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अपन ने दूसरी लेयर को पहली लेयर के उर्दू मुखी गर्तों में रख दिया है, तो ये जो आपको गर्त दिखाई दे रहा है वो चार अवयवी कणों के संपर्क में, एक दो तीन और ये चौथा इनके ऊपर रखा हुआ है। ये जो आपको गर्त दिखाई दे रहा है वो चार अवयवी कणों के संपर्क में, यानी मैं इसको बाहर निकाल के लाऊं तो ये, फिर ये और ये, तीन पहली वाली ने यानी नीचे वाली लेयर की बात हो रही, इसके ऊपर यूं रखा हुआ है, यानी तीन अवयवी कण और ऊपर चौथा अवयवी कण। ये जो गर्त दिखाई दे रहा है आपको वो चार अवयवी कणों के संपर्क में है और मिलकर के एक चतुष्फलक का निर्माण करते हैं। चतुष्फलक के अंदर भी कितने होते हैं? चार होते हैं। कैसे? जैसे CH4, यानी कार्बन को गर्त मान सकते हैं और चार हाइड्रोजनों को चार अवयवी कण मान सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय गर्त। दर्शाते किससे हैं इसको? इसको दर्शाते हैं टेट्राहेड्रल, टी से टेट्राहेड्रल होल है ये। तो ये तो बात हुई चतुष्फलकीय गर्त की। अब इसके अलावा एक गर्त ऐसा भी है जो जिसका मुंह जो है अपन देख रहे हैं नीचे की तरफ था, ये वाला अधोमुखी, ये वाला जो गर्त देख रहे हो आप, ये इसी लेयर में, ये पहले वाला ऊर्ध्वमुखी फिर अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी। तो ये जो आपको गर्त दिखाई दे रहा है उसमें अवयवी कण टोटल संपर्क में है छः, और छः अवयवी कण संपर्क में है तो देखो वो किस तरीके से संपर्क में है, और वो जो होल आपको दिखाई दे रहा है, गर्त दिखाई दे रहा है, वो किस प्रकार का होगा? तो तीन अवयवी कण तो पहली लेयर के, तो वो तो हैं एक दो और ये तीन। इनके ऊपर जो है दूसरी लेयर रखी हुई है उसका ये, उसका ये दूसरी लेयर वाइट से, इन छह के बीच में एक ये गर्त दिखाई दे रहा है, यानी इधर से कोई छोटी वस्तु डालेंगे अपन तो ये नीचे गिर जाएगी। ये जो गर्त दिखाई दे रहा है वो छह के संपर्क में है, इसलिए इसको कहते हैं अष्टफलकीय गर्त, ऑक्टाहेड्रल। ओ से दर्शाएंगे अपन इसको। अब ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो है वो जैसे अपन ने कई सारे डायग्राम देखे होंगे आप लोगों ने 11th के अंदर, ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार का होता है, ये ऑक्टाहेड्रल है। इसके अंदर जैसे एक ऊपर एक नीचे और चार उस तल के अंदर एटम हो सकते हैं, तो वो एक अष्टफलक का निर्माण करते हैं। जैसे SF6 होता है उसकी अष्टफलकीय स्ट्रक्चर होती है, यानी एक सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम सल्फर, और उसके चारों ओर छह और एटम जुड़े होते हैं, तो एक गर्त के चारों ओर छह अवयवी कण है, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। तो ये तो बात हुई दो प्रकार के गर्तों की, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। अब अपने बात आती है कि अपन जो है वो तीसरी लेयर, दो लेयर रख चुके हैं अपन, पहली लेयर जो है वो पीले फिर वाइट उनसे अपन ने बना ली है। अब पहली लेयर और दूसरी लेयर रखने के बाद यदि अपन तीसरी लेयर रखते हैं तो उसके लिए थोड़ा कलर अपने को अलग चाहिएगा, नहीं तो अपने को कोई दिखाई देने की संभावना बहुत कम है। तो तीसरी लेयर रखते हैं अपन, ये पहली लेयर येलो से फिर वाइट से अपन ने बनाई है। अब तीसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है वो दूसरी लेयर के गर्तों के अंदर यदि अपन रख दें
ये दूसरी लेयर का गर्त है, ये दिख रहे हैं आपको नीचे की तरफ, यानी अधोमुखी जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें यदि अपन, उन गर्तों में यदि अपन तीसरी लेयर रख दें, ये लो इस तरीके से, यानी मैं अभी अभी कण थोड़े छोटे बना रहा हूँ संपर्क में रखने के लिए, यूँ बड़े बना देते हैं, चलो एक ये दूसरा ये तीसरा। तो पहली लेयर रिपीट होती है, यदि अपन दूसरी लेयर जो व्हाइट से अपन ने बनाई है उसमें अवयवी कण अपन रख देते हैं, दूसरी लेयर जो बनाई है उसके चतुष्फलकीय गर्तों के अंदर यदि तीसरी लेयर रख देते हैं तो पहली परत पुनरावृत होती है, यानी पहली परत को अपन ए कहें, दूसरी को बी कहें, तो तीसरी परत वापस ए, चौथी बी, ए बी ए बी, इस प्रकार की निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को कहते हैं अपन ए बी त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी संकुलन क्षमता उच्च होती है, अवयवी कणों की संकुलन क्षमता यहाँ उच्च होती है और ये 74% 74% होती है। अब ये तो बात हुई दूसरी लेयर के चतुष्फलकीय गर्तों में, यदि अपन दूसरी लेयर जो अपन ने ऊपर रखी है उसके गर्तों के अंदर यदि अवयवी कणों को चतुष्फलकीय गर्तों में यदि रख देते हैं तो ए बी ए बी ए बी टाइप का त्रिविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। यदि इन चतुष्फलकीय गर्तों में नहीं रख करके जो दूसरी लेयर के चतुष्फलकीय गर्त हैं उनमें अवयवी कणों को अपन नहीं रख करके अपन अवयवी कणों को इस प्रकार से रखें, ये पहली लेयर हो जाएगी अपनी,